बांस का बना तारों का शहर, आए दिन टूट कर गिरते हैं तार। बांस का तहसील तारों का शहर बन गया है, इतने तारों का ऊपर नीचे होना खतरों के संकेत बन गया है। तेज हवा जब चलती है तो एक तार दूसरे तार से टकरा कर चिंगारे फेंकने लगते हैं, जिससे आए दिन भगदड़ का सामना करना पड़ता है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अधिवक्ताओं ने किया तहसील में जोरदार प्रदर्शन। बांसगांव खजनीवा का घा थाना के क्षेत्राधिकार को लेकर एसीजीएम कोर्ट परिसर में चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता सिविल बार एसोसिएशन बांसगांव गोरखपुर के अध्यक्ष यशवंत सिंह तथा संचालन मंत्री इंद्रजीत सिंह एडवोकेट द्वारा किया जा रहा है। आज क्रमिक अनशन पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। क्या मामला है? मामला यह है कि नाहर थाना और खजनी थाना हम लोगों को मान उच्च न्यायालय द्वारा ध्वज हुआ था, और यह ग्रामीण अंचल का बड़ा न्यायालय बांसगांव जो है काफ़ी बाकारियों के हित में काम शुरू से किया है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार त्रिपाठी है। 26 मई को जो है आदेश हाईकोर्ट द्वारा यह हुआ था कि गधा थाना और खजनी थाना यहाँ पर आ जाए, लेकिन अधिवक्ता के गोरखपुर के अधिवक्ता के दबाव के कारण जो है इस पर स्थगन आदेश हो गया है। तो ही हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा गधा थाना और खजनी थाना वापस। गंगाधर पांडे एडवोकेट बोल रहे हैं। यह बांसगांव न्यायालय में सन 1994 तक जूनियर डिवीजन की 3 कोर्टें रन कर रही थी, और उस समय गधा और खजनी थाना भी यहाँ से अटैच था। तो एक कोर्ट हमारी कानपुर देहात के लिए शिफ्ट कर दी गई, और उसी समय गगहा और खजनी थाने का जुरिडिक्शन गोरखपुर कर दिया गया, और अब वापस किया गया, लेकिन अब अधिकार कारणों से उसको स्थगित कर दिया गया है। उसी के विरोध में हम लोग यह गगहा थाने पर खड़े ट्रक बालू सहित गायब। थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़ई के ओम प्रकाश गुप्ता का लड़का दुर्गेश गुप्ता 20 मई को गगहा बाजार में बाहर जाने के लिए गाड़ी पर अपना सामान रख रहे थे, तभी बहरगंज के तरफ से बालू भरे ट्रक UP 53 ET 4397 ने दुर्गेश गुप्ता को टक्कर मार दिया, जिससे दुर्गेश बुरी तरह घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान जहां एक पैर काटना पड़ा, वहीं दूसरे पैर में भी काफी चोटें आई हैं, जिसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जय हिंद गुप्ता ने आगे बताया कि हम 22 मई को मुकदमे की कापी लेने गए थे, साथ ही बालू लदी ट्रक थाना पर नहीं था। थाना प्रभारी व वरिष्ठ उप निरीक्षक से पूछने पर झल्ला कर बोले, पुलिस अपना काम कर रही है, भाग जाओ नहीं तो सही कर देंगे। जिस ट्रक से हादसा हुआ था वह थाना पर बालू लदी ट्रक नहीं खड़ा है, वह मुकदमा की कापी भी नहीं दे रहा है। राधा मोहन सिंह ने बात किया तो उन्होंने कहा कि पुलिस का काम क्या है हम जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। भगवान का ज्ञान नहीं तो जीवन है अपवित्र। राघव ऋषि गोला तहसील क्षेत्र में स्थित PH इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कुसरदैया उरवा में आयोजित सप्तदिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन वाराणसी से पधारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता श्री विद्यासिद्ध एवं ज्योतिष सम्राट कथावाचक राघव ऋषि जी महाराज ने नंद महोत्सव का शुभारम्भ किया, तो संपूर्ण पंडाल ब्रिजमय बन गया और पुष्प वृष्टि व गुलाल आदि से लोगों ने बाल कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया। इसके पश्चात उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागणों को भगवत कथा का श्रवण कराते हुए कहा कि नंद अर्थात जो सभी को आनंद दे। कथा में सौरभ ऋषि ने श्री गोवर्धन महाराज भजन का गाया तो समस्त श्रोतागण अपने स्थान से उठकर नाचने झूमने लगे और प्रभु के भजन में लीन हो गए, पूरा माहौल भक्ति में बन गया। ब्रजवासियों की रक्षा भगवान ने गोवर्धन नाथ जी को धारण कर किया था। निर्जला एकादशी पर्व पर श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई डुबकी। तहसील क्षेत्र के सरयू नदी घाटों पर निर्जला बावनी भीमसेनी एकादशी पर्व पर श्रद्धालुओं का नदी तट पर स्नान दान पुण्य के लिए भारी भीड़ सुबह से लगी रही। श्रद्धालुओं ने निर्जला व्रत रहकर सरयू स्नान कर बड़े ही श्रद्धा के साथ विधि विधान से पूजा पाठ व दान देकर जल ग्रहण किया। इस पर्व का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसे बावनी निर्जला भीमसेनी एकादशी का हिंदू पुराणों में बड़ा ही महत्व है। इस पर्व पर बिसरा घाट, बेवरी के श्याम घाट, पक्का घाट, गुड़ियाना घाट, रामामऊ, तुर्कवलिया, मेहरा, शिवपुर, नरहन मदारा आदि घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। घाटों पर साफ सफाई व्यवस्था भी सुदृढ़ रहा।